रश्मि से संयोजक हरलाल बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता सज्जन बैरवा, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता मांगीलाल बैरवा, सरपंच भैरोलाल बैरवा, शंकरलाल अरने रहे समाज को संबोधित करते। विशिष्ट अतिथि मांगीलाल बैरवा ने बच्चों को शिक्षा में उत्तीर्ण होने की बधाई दी तथा समाज की एकता देखते हुए समाज का साधुवाद धन्यवाद किया। शिक्षा में अभी बच्चों को मेवाड़ के हरिद्वार मृत कुंडिया में बैरवा समाज का सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह 27 अगस्त रविवार को हुआ, जहां सम्मेलन में वर्ष 2022-23 में 10वीं 12वीं यूजी एवं पीजी में पास हुए एवं नवनियुक्त राजकीय कर्मचारियों का सम्मान किया गया। साथ ही बैरवा समाज ने सर्व सहमति से तय किया कि जो भी पार्टी बैरवा समाज को प्रत्याशी बनती है तो समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा, बैरवा समाज का व्यक्तित्व विजय प्राप्त करेगा। कहा कि समारोह में खुली चर्चा कर तय किया जाएगा कि प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करना, रक्तदान शिविर लगाना, सामाजिक बुराइयों को रोकना। समारोह में बैरवा समाज हजारों की संख्या में एकत्रित हुआ, जिसमें साधु संत महात्मा जनप्रतिनिधि अधिकारी गण कर्मचारी युवा महिलाएं बच्चे पंच पटेल आदि इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। कार्यक्रम का संचालन माधवलाल बैरवा ने किया। आज बैरवा समाज के द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आम मेवाड़ क्षेत्र से जिसमें राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और उदयपुर और भीलवाड़ा जिले के सभी सम्मानित समाज के बहुत जन इकट्ठा हुए और बच्चों को जो अच्छे अंकों से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन आप पास हुए 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में और पीजी और यूजी में और जो सर्विस में गए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरे समाज ने भाग लिया है तथा 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत राजनीतिक दलों से भी हमारे समाज के विधानसभा क्षेत्र कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 45,000 वोट बैरवा समाज के हैं तथा 2008 में बैरवा समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा टिकट बैरवा समाज का काट दिया गया, जिसके कारण हमारा बैरवा समाज में आक्रोश है तथा वापस बैरवा समाज मांग करता है कि विधानसभा क्षेत्र कपासन से बैरवा समाज को राजनीति तक टिकट देवें ताकि हमारा प्रतिनिधित्व। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि बैरवा समाज समाज के छात्राओं को समाज के रूप से सम्मान प्रतियोगिता या आयोजित की गई है, प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसमें बैरवा समाज के सैकड़ों छात्र छात्राओं को जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही बैरवा समाज के जो नागरिक है, बैरवा समाज के जो वोटर है, जो इस कपासन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 55,000 से ज़्यादा है, उन्होंने एक मत और एक समर्थन से अपना मत दिया है कि जो भी पार्टी बैरवा समाज के कैंडिडेट को अपना टिकट देगी संपूर्ण बैरवा समाज उस कैंडिडेट के साथ है, और बैरवा समाज को जो पार्टी वेटेज देगी तो समर्थन देगी, पूरी बैरवा समाज उस पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत से उस प्रत्याशी को जिताएगी। और बैरवा समाज हमेशा अपने प्रगति के लिए संघर्ष रहता है। बैरवा समाज में जो समाज में कुरूतियाँ हैं, बाल विवाह हो, बहु विवाह हो और मृत्यु भोज जैसी कई समस्याओं पर बैरवा समाज के लोगों ने यहाँ संगठित होकर उन कुरूतियों को मिटाने के लिए संकल्प लिए तथा मृत्यु भोज नहीं करने का संकल्प लिया। यदि दोनों पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यदि बैरवा समाज के कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो बैरवा समाज संगठित रूप से संगठित होकर और एकमत होकर एक ऐसी सभा और करेगी और उस सभा में भारी मतों से किसी एक प्रत्याशी को बैरवा समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतारा जाएगा और संपूर्ण बैरवा समाज इकट्ठी होकर उस प्रत्याशी को वोट देगी और दोनों ही पार्टियों को दरकिनार करेगी और अपना प्रत्याशी बैरवा समाज का विधानसभा में भेजकर अपने पुरजोर